रातौर के गांव खेड़की ब्राह्मण में 7 एकड़ के लंबे रास्ते के निर्माण कार्य का पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कांबोज ने किया शुभारंभ। उपमंडल के गांव खेड़की ब्राह्मण में लगभग 5,30,000 की लागत से बनने वाले 7 एकड़ लंबे रास्ते के निर्माण कार्य का शुभारंभ रविवार को पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कांबोज ने किया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार रातौर विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास करवाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ ग्रांट राशि दे रही है, जिससे क्षेत्र का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की टूटी पड़ी सड़कों को करोड़ों रुपए की ग्रांट राशि से बनवाया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों की अन्य मांगों को भी पूरा किया जा रहा है। रादौर में बढ़ती ठंड की चपेट में आ रहे बच्चे व बुजुर्ग, चिकित्सकों ने दिए बचाव के उपाय। मौसम में लगातार बढ़ती ठंड हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि तमाम प्रकार की बीमारियां ठंड में प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। बढ़ती ठंड के साथ शीतलहर से खासकर बच्चों व बुजुर्गों की सेहत पर खासा असर देखने को मिल रहा है। रातौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ती ठंड के कारण होने वाली बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। चिकित्सकों ने इस मौसम में खासकर छोटे बच्चों के साथ साथ दमा व हार्ट पेशेंट के मरीजों को सर्दी से बचाव करने की हिदायतें दी है। रातौर सरकारी हॉस्पिटल के SMO विजय परमार ने बताया कि ठंड में दमा का अटैक बढ़ जाता है, क्योंकि गले में ठंड लग जाती है, जिसके प्रभाव से सांस की नली सिकुड़ जाती है और मरीज की सांस फूलने लगती है। उन्होंने कहा कि सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए, पैर नाक व कान को ढककर रखना चाहिए। देखिए, शीतलहर जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके अंदर ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो बुजुर्ग लोग हैं वो और बच्चे हैं जो है उनको आती है। तो इसमें हमारे पास बुजुर्ग आ रहे हैं काफ़ी, वो लोग हैं जिनको पहले हार्ट की दिक्कत है या उम्र ज़्यादा है तो, और या दमे के मरीज जो थे, तो वो ये सारा प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो हम यहाँ से जो उनको चेतावनी या जो उनको एक समझा के भेज रहे हैं वो यही है कि एक तो उनको मेडिसिन अपने टाइम पे लेते रहें, और हम उनको एक एक महीने की मेडिसिन यहाँ से दे रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि कोशिश ये करें कि वो अपने घर से तभी बाहर निकलें जिस वक्त धूप निकल चुकी हो। रातौर की कांबोज धर्मशाला में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को किसान सभा द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। कांबोज धर्मशाला रातौर में रविवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ के किसान सेल के नेतृत्व में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। कर्मचारी नेता सुभाष चंद की अध्यक्षता में पूर्व कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि भेंट की। सभी ने शहीद किसान अमर रहे के नारे लगाए। वहीं सभी ने सरकार से किसानों की मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने प्रण लिया कि किसान आंदोलन तथा इसके बलिदानों को गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। खनन विभाग की टीम ने एक डंपर चालक को रादौर में अवैध खनन करते पकड़। डंपर मालिक के पर हजारों रुपए का जुर्माना किया गया था, लेकिन जुर्माना राशि अदा न करने पर रादौर पुलिस ने डंपर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। माइनिंग अधिकारी रमेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 दिसंबर 2019 को सुबह लगभग 11:30 बजे माइनिंग विभाग की टीम ने रादौर में एक डंपर चालक को अवैध खनन करते पकड़ा था, जिसके बाद विभाग की ओर से डंपर के मालिक पर जुर्माना किया गया था, लेकिन जुर्माना राशि अदा न करने पर विभाग की ओर से अब डंपर मालिक के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज करवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को गांव खुर्दबन में 23 लोगों के कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर सैंपल लिए। सिविल हॉस्पिटल रादौर के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि रादौर उपमंडल में अब तक 407 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 374 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। केवल 23 लोग अभी संक्रमित हैं, जिनमें से 20 लोगों को घर पर इलाज के लिए आइसोलेट किया गया है, जबकि 3 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।